नमस्कार भवप्रिया, आज है 21 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड की परीक्षा अगली सूचना तक के लिए हुई कैंसिल। बिहार में नई तकनीक से की जाएगी सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी। आज योग दिवस पर खास कार्यक्रम का होगा आयोजन। अग्निवीर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी। भारतीय टीम को लेकर कोच द्रविड़ ने दिया चौंकाने वाला बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजगीर के पांडु पोखर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। राजगीर का पांडु पोखर 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यहां पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए काफी एडवेंचरस एक्टिविटीज की भरमार है। यहां आने वाले सैलानियों को ट्रैम्पोलिन, बाउंसी, बुल राइड, फुटबॉल, इंडोर बास्केटबॉल, सेल्फी पॉइंट, चिल्ड्रंस प्ले जोन, क्रिकेट, हॉर्स स्किडिंग, शूटिंग, टेबल सॉकर, कैरम, जिपलाइन, बंजी जंपिंग, बोटिंग, एयर हॉकी, पूल टेबल, बर्मा ब्रिज, डार्ट बोर्ड, चेस, वहीं कुछ स्पेशल एक्टिविटीज भी हैं जिसमें हॉर्स राइडिंग, जॉर्बिंग, प्राइवेट बोटिंग, डबल पैडल साइकिल का मजा लेने का मौका मिलेगा। यहां टिकट के दाम 100 रुपए से शुरू होकर 900 रुपए तक जाते हैं। अगर आप भी कभी बिहार में पर्यटन का मन बना रहे हैं तो आप राजगीर जरूर घूमने जा सकते हैं, और अगर राजगीर जा रहे हैं तो पांडु पोखर का भ्रमण करने जरूर जाएं। बिहार में नई तकनीक से की जाएगी सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी। अब बिहार में आने वाले समय में सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी नई तकनीक के माध्यम से किया जाना है। इसको लेकर हाल ही में जल संसाधन विभाग ने 1 जुलाई से वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने की बात कह दी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार में एक नई सूचना प्रणाली को अपनाने का फैसला किया है। विभाग ने वामिस सॉफ्टवेयर के साथ साथ वामिस ऐप भी तैयार कर लिया। इसमें जल संसाधन विभाग के राज्य भर के अधिकारी अपने क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित रियल टाइम अपडेट्स अपलोड करेंगे। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। योजना के अनुसार 20 से 22 जून तक 3 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना है। इसमें विभिन्न सत्रों में विभाग के सभी प्रक्षेत्र के अभियंता और कर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। ये नई सूचना प्रणाली व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का पूरक होगी। बिहार में पहली बार बनने जा रही है सुरंग वाली 4 लेन सड़क। बिहार में जल्द ही सुरंग वाली सड़क बनने जा रही है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के समानांतर बनने वाले वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बिहार वाले अलाइनमेंट में 5 किलोमीटर सुरंग वाली सड़क का निर्माण भी सम्मिलित है। सबसे खास बात यह है कि बिहार की ये पहली सुरंग वाली सड़क होगी। खबर के अनुसार सड़क का निर्माण 4 लेन में होने वाला है, जिसके लिए अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हो रही है। सुरंग वाली सड़क कैमूर में बनाई जानी है। ज्ञात हो कि यह हिस्सा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। सुरंग वाली सड़क तो 4.75 किलोमीटर में प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए 6 किलोमीटर का हिस्सा लिया जाएगा। इसके निर्माण के लिए संबंधित मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया जाना है, उसके बाद ये डीपीआर का हिस्सा बनेगी। बिहार में इस साल 1.80 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होने वाली है। 7वें चरण की बहाली के तहत कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। खबर के अनुसार अब प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त महीने में आने की उम्मीद जताई गई है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक लगभग 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी अक्टूबर तक आएगी। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी बदलाव होगा, और इसको लेकर पिछले दिनों ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीईओ और डीपीओ से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी विभाग को जल्द देने के लिए भी कहा था, जिसके बाद यह बहाली की प्रक्रिया तेज होने वाली है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC नई दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC नई दिल्ली ने सहायक प्रोफेसर के कुल मिलाकर 491 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें एनाटॉमी, एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, OBGY, ऑप्थमोलॉजी, आई ऑर्थोपीडिक्स, ENT, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, स्टेटिस्टियन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी कि ब्लड बैंक है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 18 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं।
आज योग दिवस पर खास कार्यक्रम का होगा आयोजन। हर साल की भांति इस साल भी योग दिवस का आयोजन आज यानी कि 21 जून को होने जा रहा है। इस बार का थीम मानवता के लिए योग रखा गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि लोग योग के महत्व को समझें और विश्व योग दिवस को किसी भी हाल में सफल बनाएं। इसको लेकर पार्टी की तरफ से देश भर में 75 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर पैलेस में रहेंगे। इस दौरान वो पैलेस प्लेस ग्राउंड में 15,000 से अधिक लोगों के साथ योग करेंगे। सोमवार को पीएमओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आज विश्व योग दिवस के मौके पर भाजपा शासित प्रदेशों में खास आयोजन भी किया गया है। बिहार के 24 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में मॉनसून की एंट्री के साथ ही बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटे में बिहार के उत्तर भाग में कुछ जगहों पर झमाझम बारिश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मॉनसून पटना तक पहुंच चुका है। पिछले दो दिनों में लगभग पटना में 50 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये धीरे धीरे राज्य के दक्षिणी भाग में विस्तार पाकर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पटना में रविवार को हुई बारिश के बाद सोमवार को धूप निकली थी और आकाश में आंशिक कपासिये बादल भी छाए थे। पिछले तीन दिनों से अधिकतम तापमान का गिरना जारी है। वहीं एक दो जगहों को छोड़कर राज्य भर में पूर्वा हवाओं का प्रभाव भी बना हुआ है। भारत बंद का बिहार में नहीं दिखा असर। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में उठी आंधी अब थमती नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिन बुलाए गए भारत बंद में बिहार में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। सोमवार को कई संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का राज्य में छिटपुट असर ही दिखा। केवल एक दो जगहों को छोड़ दे तो सूबे में माहौल शांतिपूर्ण रहा। कई जगहों पर बाजार खुले और वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। हालांकि पुलिस के डर से आम जनता सड़क पर वाहन लेकर निकलने से गुरेज करती भी देखी गई। हालांकि बीते कुछ दिनों से बिहार में विरोध के माहौल को देखते हुए भारत बंद के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। राजधानी पटना, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मुंगेर, आरा समेत अन्य जिलों में सोमवार को प्रदर्शन की खबर नहीं आई है। हालांकि सभी जिलों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहरों के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बीएड की परीक्षा अगली सूचना तक हुई कैंसिल। बिहार में अग्निपथ स्कीम के विरोध का असर अब परीक्षाओं पर पड़ने लगा है। अब 23 जून को होने वाली बीएड की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। इसकी अधिसूचना बीते दिन जारी की गई। इसमें ही बताया गया है कि अपरिहार्य कारणों से 23 जून 2022 को 11 बजे से 1 बजे तक होने वाली बिहार राज्य स्तरीय दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 अगली सूचना के लिए स्थगित की जाती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दो वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री के आगामी सत्र के लिए बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन राज्य के 11 शहरों में आयोजित होने था और शहर में ही प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 325 परीक्षा केंद्र बने थे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 191,929 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया है। अग्निवीर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को लेकर अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय सेना ने अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जुलाई 2022 में शुरू हो जाएगी। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेसमैन, 10वीं पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन, 8वीं पास पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शामिल होने की बात कही जा रही है। सेना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि भर्तियां पूरी तरह से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मेरिट आधारित होगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्रेया नारायण की। श्रेया नारायण एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री, मॉडल, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है। श्रेया नारायण का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। श्रेया ने तिग्मांशु धूलिया की हिट फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर में महुआ के अपने चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। नॉकआउट रॉक स्टार सुखविंदर सिंह के अभिनय की शुरुआत कुछ करिए और सुधांशु शेखर झा के प्रेममयी जैसे कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। वो इंदर कुमार की सुपर नानी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें नानी की भूमिका महान हिंदी फिल्म अभिनेत्री रेखा द्वारा चित्रित किया गया था। उन्होंने राजश्री के सम्राट एंड कंपनी में दिव्या नामक एक मानसिक रूप से परेशान लड़की का किरदार भी निभाया था। बिहार में 3,270 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। बिहार में आने वाले समय में आयुष डॉक्टरों की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार में जल्द ही 3,270 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इसके संकेत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिए हैं। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार 3 महीने के भीतर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने आयुष संस्थानों के मरम्मत के लिए 825 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयुर्वेद और योग का आपस में गहरा संबंध है और कई आयुर्वेद चिकित्सकों ने अपने
उपचार के हिस्से के रूप में योग की सिफारिश की है, जिसके बाद अब राज्य में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। इंटर में नामांकन के लिए इस दिन से शुरू होगा आवेदन। दसवीं की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी लंबे समय से इंटर में नामांकन का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन लेने की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक 22 जून से छात्र नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र इसके लिए अपने आसपास के वसुधा केंद्र पर जाकर या मोबाइल फोन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ज्ञात हो बिहार बोर्ड की तरफ से दसवीं का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही छात्र छात्राएं इंटर में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे थे। अब छात्र 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मानसिक रोगियों का बिहार में इलाज संभव। अब बिहार में मानसिक रोगियों का इलाज होने वाला है, क्योंकि अब ऐसे मरीजों को इलाज के लिए बिहार के कोइलवर में सुविधा मिलने जा रही है। राज्य सरकार की पहल पर बिहार के एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना भोजपुर के कोइलवर में कर दी गई है, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर यहां मानसिक आरोग्यशाला भवन बनाने का काम पूरा हो गया है। 100 एकड़ में मानसिक आरोग्यशाला भवन एवं परिसर बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल राज्य के गंभीर रूप से मानसिक रोग से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए वर्तमान में मानसिक आरोग्यशाला रांची झारखंड या उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित मानसिक आरोग्यशाला में इलाज के लिए आना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिहार में ही वो आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं। पूरे देश में हो रही है कैप्टन मोनिका खन्ना की तारीफ। रविवार के दिन स्पाइस जेट में आग लगने के बाद से सुरक्षित लैंडिंग करवाने वाली मोनिका खन्ना चर्चा का पात्र बन गई है। आलम कुछ यूं है कि देश भर में उनकी तारीफ हो रही है, क्योंकि 185 यात्रियों वाली पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई स्पाइस जेट फ्लाइट के पायलटों ने रविवार को अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, जो तारीफ के काबिल जरूर है। यदि समय पर पायलट ने फैसला नहीं लिया होता तो शायद ही एक भी यात्री सलामत बचते। इसके लिए सोमवार को स्पाइस जेट ने अपने पायलटों की सराहना की और कहा कि एयरलाइंस को इन पर पूरा भरोसा है और आप भी उन पर विश्वास करें, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। कैप्टन मोनिका खन्ना और प्रथम अधिकारी बलप्रीत सिंह भाटिया ने घटना के दौरान खुद को अच्छी तरह से संचालित किया। वो पूरे समय शांत रहे और विमान को अच्छी तरह से संभाला है, जिसके कारण यात्री भी सुरक्षित रह सके हैं। नमामि गंगे के तहत काटी गई सड़कों का होगा रिस्टोरेशन। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान ही उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान काटी गई सड़कों की मरम्मति कार्य की समीक्षा की। इस बैठक में पथ निर्माण विभाग को 10 दिनों के अंदर काटी गई सभी सड़कों की मरम्मति का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में बुड़को के प्रबंध निदेशक को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रोड रेस्टोरेशन के लिए पथ निर्माण विभाग को तत्काल 50 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाए और 30 दिनों के अंदर बाकी 60 करोड़ की राशि भी पथ निर्माण विभाग को दी जाए। दुबई बुलाकर बिहार की बेटी का सम्मान करने के लिए आभार। बिहार भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह ने विश्व योग दिवस के मौके पर दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अब संयुक्त अरब अमीरात के महामहिम भारतीय राजदूत संजय सुधीर, DSC के महिम, महिला प्रभाग के प्रमुख फौजिया फरीदौन और बड़ी संख्या में स्थानीय एवं भारतीय मूल के प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। इस दौरान ही मंच से संबोधित करते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा की अमूल्य देन है। ये मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। ये व्यायाम के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने के लिए है। बिहार के 11 जिलों पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। बिहार में भले ही मॉनसून भी अभी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बागमती, कोसी और कमला बलान के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद से ही बिहार की 11 नदियों में से 7 का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। जिन जिलों में बाढ़ के हालात फिर से उत्पन्न दिखाई दे रहे हैं उसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, शिवहर और सुपौल जिले का नाम शामिल है। वहीं किशनगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर में भारी बारिश का जारी किया गया है। सारण, वैशाली, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया के कुछ भागों में मध्यम बादल गरजने और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की अग्निपथ योजना पर कन्हैया कुमार ने दिया बयान। सरकार की अग्निपथ योजना पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में खुद कन्हैया कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही बीते दिन इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना में भर्ती नहीं हुई लेकिन चुनाव हो गया। एक सिंपल सवाल है, सरकार को एक प्रश्न का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे, अब पिछले 2 साल में 50,000 लोगों की भी भर्ती नहीं की गई है। बहाना दिया गया कि कोरोना था,
हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी यो दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। मांझी के बाद अब कुशवाहा ने की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग। बिहार में इन दिनों कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद ही अब उमेश कुशवाहा ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि छात्रों के मन जो संशय है उसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत बताई है। बता दें कि कुशवाहा ने पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान पर भी पलटवार किया था। वहीं इन दिनों भाजपा और जदयू के बीच में काफी खींचतान की स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग सुनाई दे रही है। योग दिवस को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया ये जवाब। आज बिहार समेत देश भर में योग दिवस का आयोजन करवाया जाना है। दरअसल बीते दिन जब योग दिवस को लेकर जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि योग दिवस का मकसद अधिक से अधिक योग का प्रचार है और हम लोग तो रोज योग करने वाले हैं, एक दिन तो योग करते नहीं है, योग से कहां हम लोग दूरी बनाकर रख रहे हैं, लेकिन किसी के कहने से योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले नहीं है और ना ही दिखाने के लिए योगा करने वाले हैं। योग सबके लिए अच्छा है, हम लोग प्रतिदिन योग करते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंक्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय 1862 में बने। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए 1998 में भारत और रूस 2.5 अरब डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर करते देखे गए। मनमोहन सिंह 1999 में भारत के वित्त मंत्री बने। भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी सायना नेहवाल ने 2009 में सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 2015 को दुनिया भर में मनाया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता पाल सात्र का जन्म 1905 में हुआ। रेमन मैगसेस पुरस्कार सम्मानित एक वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीज का जन्म 1927 को हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगवार का निधन 1940 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय टीम को लेकर कोच द्रविड़ ने दिया चौंकाने वाला बयान। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में भारतीय टीम के कप्तानों को लेकर बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 8 महीने में उन्होंने सभी प्रारूपों में 6 अलग अलग कप्तानों की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ग्रुप के अंदर ज्यादा कप्तान तैयार करने का मौका मिला। राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद भारतीय टीम की कोचिंग संभाली थी। इसके बाद से COVID-19 को लेकर बबल ब्रेक और इंजुरी आदि के चलते विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या आगामी आयरलैंड दौरे पर भारत के कप्तान होने जा रहे हैं। इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वीं और अंतिम T20 आई शुरू होने से पहले टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि ये चुनौतीपूर्ण भी रहा है। हमने अंतिम 8 महीने में 6 कप्तान उतारे, जो वास्तव में योजना नहीं थी, लेकिन हम जितने मैच खेल रहे हैं ये उसकी वजह से हुआ है। व्हाट्सएप पर अब जिसे आप चाहेंगे सिर्फ उसे ही दिखाई देगा प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन स्टेटस। लंबे इंतजार और ढेर सारे लीक्स के बाद फाइनली व्हाट्सएप पर अब ये धांसू फीचर आ गया है, जिसका हम सब भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब यूजर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी विशेष व्यक्ति से अपनी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन स्टेटस और अबाउट छिपा सकेंगे। ये प्राइवेसी सेटिंग पिछले कुछ समय से बीटा वर्जन में पहले से ही उपलब्ध थी। व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि अब वैश्विक स्तर पर इस फीचर को अभी iOS और एंड्रॉयड यूजर के लिए रोल आउट करने की पहल की जा रही है, जिसके बाद ही अब व्हाट्सएप यूजर और ज्यादा फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे। डेंटल कॉलेज की सुविधाओं पर उठे सवाल। बिहार की राजधानी पटना के डेंटल कॉलेज में मिलने वाली सुविधाएं अब सवालों के घेरे में है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अब तो इस कॉलेज को लेकर सवाल उठाए हैं। DCI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगातार 2 निरीक्षण के बाद भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। DCI ने कॉलेज के प्रचार की उम्र और अस्थायी प्रचार की तैनाती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, डेंटल कॉलेज में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए कॉमन रूम नहीं है। जनरेटर नहीं होने से अचानक बिजली कटने से मरीजों का इलाज पूरी तरह से ठप हो जाता है। OPG एक्सरे नहीं होने से मरीजों को निजी केंद्रों पर एक्सरे तक कराना पड़ता है, जिसके बाद ही अब डेंटल कॉलेज की परेशानी बढ़ने की संभावना जताई जा
जा रही है, क्योंकि अगर इन सवालों का संतोषजनक जवाब डीसीआई को नहीं मिला तो अगले सत्र में यूजी और पीजी में नामांकन पर भी रोक लगाई जा सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है भूखन शर्मा, मृत्युंजय कुमार, अशोक कुमार, कुश कुमार यादव, राजीव कुमार, भूषण चौहान, सी शरद कुमार, कुणाल कुमार, पूजा पांडे, प्रभास कुमार सिंह, रोहित राज, चंद्रवंशी, दीपक। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज के समय में योगा हमारे जीवन में कितना जरूरी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।